हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्लब कचौरी शेयर कर रही हूँ, जो कलकत्ता की फेमस कचौरी है, जो कलकत्ता में बहुत ही शौक से खाई जाती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ क्लब कचौरी शेयर कर रही हूँ, जो कलकत्ता की बहुत ही फेमस है। इसके लिए सबसे पहले हम आलू की सब्जी बना लेते हैं, जो कचौरी के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच अजवाइन, फ्लेवर के लिए थोड़ी हींग, थोड़े करी पत्ता डालेंगे। अदरक और हरी मिर्ची को मैंने यहाँ कूट लिया है, एक चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाएंगे हम इसे। एक चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बड़े टमाटर की प्यूरी, एक बड़े टमाटर को मैंने यहाँ पीस लिया है, इसे ऑयल छोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे टमाटर को। थोड़ा हम नमक डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं भी, बाकी का नमक हम बाद में ऐड करेंगे। ऑयल छोड़ने तक हम इसे पका लेते हैं। मैंने यहाँ आलू लिए हैं, आलू को बॉईल कर लिया और छील लिया है, इसे हम बड़े पीसेस में काटेंगे। इस तरह से काट देंगे। आप बिना बॉईल किए आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, आप कुकर में बना लें, मोटे मोटे पीसेस काट के इसके रफली पीसेस। बॉईल करने के बाद आलू की सब्जी झटपट बन जाती है और कचौरी पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। ये देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी एक चम्मच, कसूरी मेथी डालना बहुत जरूरी है, आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनती है इससे। आधा छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला, अब इसमें डालेंगे हम पानी, पानी को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। पानी के साथ ही हम डाल देते हैं इसमें नमक, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें, थोड़ा नमक मैंने पहले डाला था, थोड़ा मैं ऐड अप कर रही हूँ। पानी को अच्छे से बॉईल होने देते हैं। ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, जो आलू हमने बॉईल करके रखे हैं आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख देना है, ताकि मसाले अच्छे से आलू में भी एब्जॉर्ब हो जाए। हम इसे ढक कर रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया कटा हुआ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब कचौरी की तैयारी करते हैं हम। आप चाहें तो आलू को इसमें 2-3 आलू को इस तरह से मैश करके तोड़ लें, ग्रेवी और भी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कटोरी उड़द दाल ली है। उड़द दाल को मैंने गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया है, ये अच्छे से
फूल गई है, ये देखिए अच्छे से गल गई है। जल्दी गल जाती है मूंग की दाल और उड़द की दाल। आप गर्म पानी में भिगो दें तो 1 घंटे में अच्छे से फूल जाती है। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम उड़द की दाल को डाल देंगे। दाल को मैंने जार में डाल लिया है, इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्ची रफली चॉप करके डाल देंगे। मैंने यहाँ 3 हरी मिर्ची ली है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है बड़ा, इसे भी हम इस तरह से काट के डाल देंगे इसमें। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें साबुत जीरा, छोटी 1 चम्मच। अब हम इसमें पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। डो लगाने के लिए उड़द दाल को मैंने यहाँ पीस लिया है, ये देखिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है पानी डाल के। पानी डाल के कर लें अच्छे से। इसमें डालेंगे हम मैदा। मैदा मैं 1 कटोरी ले रही हूँ, 1 कटोरी मैं लूंगी इसमें गेहूं का आटा। घर पर बना रहे हम खाने के लिए, मैदा बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैं 1 ही कटोरी मैदा ले रही हूँ। आधा मैं मैदा ले रही हूँ, आधा मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 कटोरी मैदा ले सकते हैं, ओनली मैदा से बना सकते हैं आप। एक कटोरी मैदा मैंने छान लिया है, अब 1 कटोरी मैं डाल रही हूँ इसमें गेहूं का आटा, इसे भी मैं छान लूंगी। छान के डालेंगे तो डो हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। आधा कटोरी डालेंगे सूजी, सूजी बारीक वाली होनी चाहिए, मोटी सूजी है अगर आपके पास तो आप इसे ग्राइंड कर लें मिक्सी में। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1 पिंच डाल रही हूँ मैं इसमें हींग, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इसमें। इसमें डो लगाना बहुत कठिन हो जाएगा, ये छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं एक बड़े बर्तन में इसे डाल लेती हूँ। इसमें मोइन डालेंगे हम, 1/4 कटोरी हम तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जो दाल हमने पीस के रखी है वो इसमें डाल देंगे। दाल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक कड़ा डो रेडी करेंगे, पूरी के जैसे डो रेडी करेंगे, जैसे हम कचौरी पूरियां बनाते हैं वैसा डो हम लगाएंगे। पहले हम पानी ऐड नहीं करेंगे, दाल गीली है। देखिए मैंने पूरी जैसा डो लगा लिया है, थोड़ा ऑयल लेंगे और अच्छे से मसल देंगे। थोड़ा ऑयल लगा के मसल के इसे फिर हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। इसे ऑयल लगा के हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। ढककर छोड़ना है हमें। अब हम पूरियां बना लेते हैं। एक मसाला लेंगे, थोड़ा डालेंगे और इसके नींबू जितने बोल बना लेंगे हम इस तरह से तोड़ के। गोल बनाएंगे, बेलने के लिए मैंने यहाँ चकला लिया है, से हम ऑयल लगाएंगे, से हम पूरी के जैसे बेल लेंगे। हमें पतला नहीं बेलना है इसे,
थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। गैस पर मैंने ऑयल रख लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम चून डालेंगे, इस तरह से दबाते हुए फुलाएंगे। दोनों तरफ से पलट पलट के हम इसे फुला लेंगे और थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। हाई फ्लेम पे नहीं करना है हमें इसे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से पलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से हो गई है ये, दूसरी तरफ से वो थोड़ा सेक लेते हैं इसे। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये देखिए हमारी क्लब कचौरियाँ बनकर रेडी है। कितनी फुली फुली है आप देख सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ और फ्राई की हुई हरी मिर्ची के साथ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। जैसे ही मैं न्यू रेसिपी अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।